हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेपी इन्फॉर्मेशंस। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और बड़े ही मजे में होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जेकेएसएसबी जो टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट वेरियस पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाते हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, इलेक्शन असिस्टेंट हो गया, इसके अलावा बहुत सारी पोस्टें हैं जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट जरूरी होता है। तो इसलिए आज हम आपके सामने इसके हवाले से बात करने जा रहे हैं कि जेकेएसएसबी टाइपिंग टेस्ट कैसे कंडक्ट करता है और इसका क्या क्राइटेरिया होता है। तो मेरी आपसे ये मोहतरमाना गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। जेकेएसएसबी जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए, उसका नाम टाइपिंग मास्टर प्रो है, जो मैं आपको स्क्रीन पे हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर नेट पे अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे आपको इसका ट्रायल वर्जन मिलेगा। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर इसका प्रीमियम वर्जन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करिए तो आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा होगा। सबसे पहले आपको ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको आई एम न्यू यूजर पे क्लिक करना है। तो आइए हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको अपना नाम यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे मैं नाम लिखूंगा, जुनैद लिखूंगा, जुनैद 6, ठीक है ना। उसके बाद एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कोर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। मैं आपको आपकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू इम्प्रूव टाइपिंग स्पीड इन जस्ट 15 डेज। वहाँ पे आपको पूरी डिटेल से टाइपिंग कोर्स सिखाया जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब आप टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप ये जान ले कि यहाँ पे जितने भी पैराज दिए हुए हैं इनमें से वहाँ पे कोई नहीं आएगा। वो खुद से कोई पैरा ऐड करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे ऐड ऑप्शन दिख रहा होगा, वो कहीं से भी कोई भी पैरा ऐड करते हैं और इसमें डाल देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे पैरा सिलेक्ट करना है और फिर ड्यूरेशन में चला जाना है। और जैसे कि आपको ड्यूरेशन में दिख रहा होगा कि यहाँ पे डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन दी हुई है, आपने इनमें से 10 मिनट का सिलेक्ट करना है। फिर स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे मैं आपको 2 मिनट का डेमो टेस्ट स्टार्ट करके दिखाता हूँ। आपको ये ध्यान रखना होगा कि हो सके, जितना भी हो सके, आप अपनी एक्यूरेसी पे फोकस रखना, क्योंकि वहाँ पे जितना आप एक्यूरेट लिखोगे उतनी आपकी नेट स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे नेट स्पीड काउंट हो जाएगी, ग्रॉस स्पीड कितनी भी हो। जैसे ही मैं स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन टाइमर तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक मैं लिखना स्टार्ट नहीं करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके बाद स्पीड कैसे काउंट हो जाती है।
टाइम कंप्लीट होने के बाद आपको आपकी ग्रास स्पीड, एक्यूरेसी और नेट स्पीड दिखाई दी जाए। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मेरी यहाँ पे जो ग्रॉस स्पीड है वो 50 वर्ड पर मिनट है और मेरी जो नेट स्पीड दिखा रहा है वो 47 वर्ड पर मिनट है और मेरी जो एक्यूरेसी दिखा रहा है वो 94% है। वहाँ पे आपको कम से कम 35 वर्ड्स पर मिनट निकालनी चाहिए और एक्यूरेसी जो है वो 90 से अबो या 90 के पास होनी चाहिए, तभी जाके आपकी सिलेक्शन हो पाएगी रिटन टेस्ट के लिए। तो बस जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप सबने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। It's caught in the crossfire.